बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आवर टुडे टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा है, रिफ्रैक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा है। रिफ्लेक्शन हम यू डिस्कस करते हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से जा रही है, वो किसी दूसरी सरफेस से टकराती है तो वापस उसी मीडियम में आ जाती है। दैट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जबकि रिफ्रैक्शन ये होता है कि जब लाइट एक मीडियम से जा रही है, दूसरी मीडियम में एंटर होती है, वो अपनी ओरिजिनल पाथ से चेंज होती है, थोड़ी सी बैंड होती है। इस बैंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तब होता है जब लाइट रे हमारे पास मूवमेंट कर रही है डेंसर टू रेयर मीडियम। मीन दो मीडियम होने चाहिए, एक डेंसर मीडियम, ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम है और ये एक हमारे पास रेयर मीडियम। मीन एयर है या हमारे पास वाटर है या ग्लास है, जो भी हम डेंसर मीडियम लेते हैं। मीन इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। एन वन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एन टू। ये दो डिफरेंट मीडियम है। लाइट रे मोमेंट करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तभी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसी डायग्राम को हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे कहते हैं। The phenomena in which a light ray travel from denser to rare medium and its angle of incident greater than the critical angle, then the light ray is totally reflected into the same medium is called the total internal reflection of light. Wo phenomena jisme light ray denser medium se rare medium mein ja rahi hai aur denser medium mein iski angle of incident zyada hogi kisse, क्रिटिकल एंगल से। तो लाइट रे क्या होगी, वो बेंड नहीं होगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बल्कि जिस मीडियम में जा रही है उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी। इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो आप देखते हैं, ये डायमंड जो इतने ब्राइटनेस करती है, चमक करती है, इट इज ऑल ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम ऑप्टिकल फाइबर को लेते हैं कि उसमें जो लाइट रे है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, उसमें डेटा ट्रेवलिंग करती है, टोटल ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम एंडोस्कोप देखते हैं तो इट वर्क ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत सारे हमारे पास इस तरह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर काम करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन में देखें, हमारे पास क्रिटिकल एंगल की बात आती है। क्रिटिकल एंगल हम यू डिफाइन करते हैं दैट इंसिडेंट एंगल फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। अगर एक लाइट रे डेंसर मीडियम से जा रही है रेयर मीडियम में और उसकी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लुक एट द डायग्राम, दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द रेयर मीडियम। ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। इसे एक लाइट रे जा रही है, ये फास्ट रे है, ये जा रही है इंसिडेंट थीटा आई बना रही है। दिस इज द रेयर मीडियम एयर, तो ये रिफ्रैक्ट होके थोड़ी सी बेंड हो गई। ये एंगल ग्रेटर देन दिस, ये एंगल इससे ज़्यादा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल बराबर नहीं होती। ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन के साथ नहीं एंगल बनाया है। अब अगर हम यू करें, इस इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज कर ले, ये थीटा आई सेकंड रे, ये इससे ज्यादा है, तो थीटा आर भी इंक्रीज हो रही है। देखिए ये एंगल इससे ज्यादा हो रही है।
अगर हम फर्दर इंक्रीज करेंगे इंसिडेंट एंगल को तो एक स्टेज ऐसा आएगा, ये इंसिडेंट एंगल हमने फर्दर इंक्रीज किए से तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन गई, 90 डिग्री बन गई। यहां पर डिफिनेशन भी हमने पढ़ा है कि द इंसिडेंट एंगल फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90, ये इंसिडेंट एंगल है, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 डिग्री बन गई। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्रिटिकल एंगल के नाम से पुकारते हैं, इसको हम थीटा सी, थीटा इसके साथ हम सी लिख देते हैं, दैट इज द क्रिटिकल एंगल, इसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब अगर हम मजीद ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज्यादा कर ले, ये थीटा आई है, दिस इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो लाइट रे रिफ्रैक्ट होके नहीं जाएगी, इसी मीडियम में वापस मुड़ेगी, इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा है, लिखा है क्या, देखे द फिनोमेना इन विच द लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम, डेंसर से रियर में जा रही है, एंड इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल से ज्यादा हो तो क्या होगी, देन द लाइट रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड इन टू सेम मीडियम, तो लाइट रे वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके आएगी, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह ये फिनोमेना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक एंडोस्कोप में इस्तेमाल होता है, बाइनिकुलर में इस्तेमाल होता है, ऑप्टिकल फाइबर में इस्तेमाल होता है, इसके लिए कुछ कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो तो लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, रेयर से डेंसर में अगर लाइट रे जाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती। दूसरी कंडीशन ये है कि द इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, कि थीटा आई क्रिटिकल से ज्यादा होगी। अब हर मीडियम के लिए क्रिटिकल डिफरेंट होती है, जस्ट लाइक फॉर ग्लास अगर हम लेते हैं तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री। अगर हम ग्लास में, हम ग्लास यहां पर लेते हैं तो ये एंगल इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन 42 डिग्री, 43 हो सकता है, 44 हो सकता है, 45 हो सकता है, तो तब ही लाइट रे वापस इसी मीडियम में आएगी। अब देखिए लेट सपोज अगर हम ग्लास लेते हैं तो ये पूरी एंगल अगर हम देखें तो इट्स अ राइट एंगल, मीन ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45, क्योंकि रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में थीटा आई और थीटा आर बराबर होती है, तो ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45। ग्लास, जैसे मैंने कहा कि ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, तो ये थीटा आई 42 डिग्री से ज्यादा है, तो इसलिए लाइट रे रिफ्रैक्ट होके नहीं जा रही, क्या हो रही है, वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके आ रही है, और यही फिनोमेना, यही चीज बाइनिकुलर में इस्तेमाल होता है, एंडोस्कोप में ही इस्तेमाल होता है, इसमें लाइट रे एट 45 डिग्री रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में आ जाती है और हमारे लिए ऊपर चीज़ें जो है विजिबल होती है, या जिस तरह सबमरीन में होता है वो पानी के अंदर अब्दोस होता है और इसे यही बाइनिकुलर ऊपर निकाल देते हैं और बाकी जो तमाम समंदर है उसी की मदद से हम देख सकते हैं। इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे। हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन है जिसको हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, कि क्रिटिकल एंगल थीटा सी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, इसको हमने डिराइव करना है। अब देखिए हमारे पास ये एक फार्मूला है N1 sin θ1 = N2 sin θ2। N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियर मीडियम, यानी मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रियर मीडियम मल्टीप्लाइड बाई इट्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन और राइट साइड मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, बराबर होगी।
अब यहां से हमने क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चूंकि रिलेशनशिप डिराइव करना है, तो हमारे पास ये थीटा वन हमारे पास क्रिटिकल एंगल के बराबर, ये थीटा टू जो कि क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होती है, तो थीटा टू को मैंने कर दिया थीटा आर, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। किस मीडियम में? रेयर मीडियम में। ये वैल्यूज उठा ले, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर ले, तो हमारे पास बन गया एन वन अपनी जगह साइन थीटा सी, थीटा वन की जगह मैंने थीटा सी को लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय वन एन टू, चूंकि ये एयर है और एयर के लिए हम क्या लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन लेते हैं, थीटा टू इज 90 डिग्री, ये 90 बन गया, एन वन अपनी जगह वन मल्टीप्लाई बाय साइन 90 और थीटा सी, साइन थीटा सी मैंने डिवाइड में लिख दिया, ये वन अपनी जगह साइन 90 वन के बराबर, तो वन मल्टीप्लाई बाय वन वन साइन थीटा सी, इस एन वन को मैंने एन का नाम दिया, तो एन इक्वल टू वन डिवाइड बाय साइन थीटा सी। मीन क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान हमारे पास इनवर्स रिलेशन मौजूद है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमने इसी डायग्राम से हमने डिराइव किया है। थैंक यू वेरी मच।